तो नाउ यू स्टार्ट क्वांटम नंबर, और क्वांटम नंबर स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक पॉइंट हम जानते हैं, तो ध्यान देना अब और थोड़ा इमेजिन करना। हमने बोला था कि एस में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो से ज्यादा नहीं होता है, यानी एस सबसेल में या एस ऑर्बिट में रहने वाला इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम दो हो सकता है। ठीक है, ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो एस में है, ये मान लो दो इलेक्ट्रॉन एस में है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये वाला, मान लो ये, मान लो ऐसे क्लॉकवाइज घूमता है, लेकिन न्यूक्लियस के चारों तरफ ही घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे, मतलब नाच नाच के घूम रहा है, जैसे अर्थ ये प्लैनेट है, सेम टू सेम प्लैनेट के जैसा, यानी अर्थ घूमती है तो सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है अर्थ, और अपने एक्सिस पे भी घूमती है, तो ये वाला क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये वाला जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है अपने एक्सिस पे, ऑन देयर एक्सिस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूम ही रहा है, यानी ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ऐसे ऐसे घूम रहा है और न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, यानी वन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड क्लॉकवाइज ऑन देयर ओन एक्सिस, न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूमता है तो हम जानते ही हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन, यानी वन इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, ये तो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता ही है अपने एक्सिस पे, सोलर सिस्टम के जैसा अपने एक्सिस पे भी ये क्लॉकवाइज घूमता रहता है, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व एंटी क्लॉकवाइज इट्स ओन एक्सिस, यानी एस में रहने वाला इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज घूमता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। इतना बात क्लियर हो गया। अब ध्यान देना, सेकेंड पॉइंट, जो एस सबसेल है, एस सबसेल को देखा गया, मतलब एक्सपेरिमेंट करके, एक सबसेल में इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो एस सबसेल का शेप कैसा है, एस सबसेल का शेप कैसा है, जो सबसेल है जैसे रूम है, तो रूम का शेप कैसा है, तो एस सबसेल का शेप कैसा है, तो ये निकल के आया स्फेरिकल, यानी फुटबॉल के जैसा स्फेरिकल है, एस सबसेल स्फेरिकल होता है ऐसा। तो सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि एस सबसेल हैज स्फेरिकल सेल, सॉरी स्फेरिकल शेप, तो जो एस सबसेल है उसका जो शेप निकला कि एस सबसेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका एस सबसेल का शेप कैसा है, तो स्फेरिकल निकला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर एस सबसेल है तो एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन कितने डायरेक्शन में घूमते हैं, ये देखो ये डायरेक्शन अलग है, ये रोटेशन है, दिशा विल बी रोटेशन। ठीक है, तो एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन, एस सबसेल इलेक्ट्रॉन हैज वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में घूमता है, यानी दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में घूमेगा, हाँ अपने एक्सिस पे ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, लेकिन एक ही डायरेक्शन में दोनों घूमेंगे, मतलब दोनों घूम रहे हैं ऐसे ही, देखो ऐसे ही घूम रहे हैं दोनों,
लेकिन एक अपने एक्सिस पे क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक अपने एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। लेकिन एस में रहने वाले इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में घूमता है, तो इसके बारे में थोड़ा हम और आगे बात करेंगे। तो एस सब सेल हैज वन डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन को हम एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बॉक्स लिखते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक बॉक्स लिखते हैं, ठीक है। तो अब फाइनली मैं लाइन बोल रहा हूं कि एस में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में घूमता है, तो हमेशा हम एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, और एक क्लॉकवाइज घूमता है तो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स को हम अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम हाफ एरो भी लगाते हैं, अपवर्ड हाफ एरो और डाउनवर्ड हाफ एरो। तो एस में रहने वाला इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में घूमता है और जो क्लॉकवाइज घूमता है वो अपवर्ड एरो, और जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है वो डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी रोटेशन, ये रोटेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये नहीं मालूम है कि पहला वाला ही क्लॉकवाइज है या दूसरा वाला ही क्लॉकवाइज है, तो हम पहला वाला को क्लॉक बोलेंगे, दूसरा वाला को एंटी क्लॉक बोलेंगे, ये बुक का मतलब फेनोमेना है मानने का, अदरवाइज पहला वाला को भी एंटी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो हम यहां लिखेंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी रिप्रेजेंटेड बाई अपवर्ड एरो। अपवर्ड एरो और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिप्रेजेंटेड बाय डाउनवर्ड एरो। तो यहां से दो पॉइंट, तो एस एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि एस सबसेल में रहने वाला दो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एक होगा, एक ही डायरेक्शन में घूमेंगे और उस डायरेक्शन को हम एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो अपने एक्सिस पे एक क्लॉकवाइज घूमेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज को अपवर्ड एरो और एंटी क्लॉकवाइज को डाउनवर्ड एरो से हम फिलअप करेंगे, और एक डायरेक्शन को हम एक बॉक्स से लिखेंगे, और ए सबसेल हैज स्फेरिकल शेप। क्या इतना बातें समझ में आई क्या? दिख रहा है ना डाउनवर्ड एरो, थोड़ा सा इमेजिन करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते जाएंगे ना, थोड़ा सा इसमें इमेजिनेशन और हमारा पावरफुल होता जाएगा, बट थोड़ा सा इमेजिन करना है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल बेस पे है, अब हम इसको दिखा तो नहीं सकते हैं, तुम एनिमेशन देख सकते हो इसका, राइट डाउन करना। ये सब पीरियोडिक टेबल में अब केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाएंगे ना तो इसमें यूज आएगा, ठीक है। तो ये सब बताना जरूरी है क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग बिना इसके होगा ही नहीं। पॉली के एक्सपेरिमेंट के बेस पे, तो मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, मैं तुम्हें बस इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, पॉली या बाउ प्रिंसिपल के सब बेस पे होगा, तो सब नाम हम तब लेंगे जब सब तुम्हें बेसिक पॉइंट बता देंगे तब, नहीं तो कंफ्यूजन होने लगेगा।
हमने लिख लिया। हमने लिखा ओके। अब आते हैं, एस हो गया हमारा, अब पी पे आते हैं। एस पी और डी पढ़ेंगे, एफ नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि एफ में अभी ऑर्बिटल्स हमें बॉन्डिंग और हमें यूज नहीं आएगा और हमें सिलेबस में 11 तक होता भी नहीं। तो नेक्स्ट आते हैं पी पे। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो 6 इलेक्ट्रॉन है, वो इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स डायरेक्शन में घूमता है, ऐसे घूमता है, ध्यान देना, ऐसे घूमता है, ऐसे, क्या ऐसा करते हैं। पी के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक्स डायरेक्शन में घूमता है, ऐसे, मान लो एक्स एक्सिस है, ऐसे घूम रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। पी के जो 2 इलेक्ट्रॉन और होते हैं वो वाई डायरेक्शन में घूमते हैं, ऐसे। और पी के जो और 2 आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? आवाज Am I audible? कभी भी रिकॉर्डिंग स्टॉप करें।